हेलो डियर्स, वेलकम टू द मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। एक बार फिर मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सभी लोगों को वेट था नॉर्सेट 2021। फाइनली नॉर्सेट 2021 आ गया है। जी हाँ, आ गया है और ऑफिशियली है। बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख रहा है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। बिल्कुल फेक वैकेंसी नहीं है, ओरिजिनल वैकेंसी है। अब बात करते हैं कितनी पोस्ट है फॉरम, कितनी पोस्ट है फॉरम, कब अप्लाई करना है, एग्जाम कैसे होगा, कौन कौन से स्टूडेंट इंक्लूड है, 80-20 है के लिए, सभी क्वेश्चंस के जवाब इस आपको वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अभी अपन करते हैं क्वालिफिकेशन के सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक एक पॉइंट को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में कोई और आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो के अंदर रहेगी। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जैसे ही क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो क्वालिफिकेशन BSc कैंडिडेट फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। अभी बहुत सारे लोगों का दबाव रहेगा कि सर पोस्ट बेसिक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं आए हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्लियर बात है। तो रजिस्ट्रेशन आने कंपलसरी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहेगा, सर मेरे फोर्थ हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकते भाई। तो बेसिक क्या है, BSc पोस्ट बेसिक दोनों के रजिस्ट्रेशन आना कंपलसरी है। अब बात करते सर GNM वाले को रजिस्ट्रेशन के बाद में RN RM के बाद में 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। RN RM के बाद में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, वो भी मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, कम से कम 50-bed का हॉस्पिटल होना सही उस वहाँ का जरूरी है। ये GNM BSc का आपका क्वालिफिकेशन हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, एज का बहुत बड़ा इशू है सर। एज कितनी एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों, जैसा कि पता है, किसी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या पहले 35 एज था, बट अभी एज 30 कर दिया है। 18-30 ईयर तक कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लड़का 30 ईयर तक का एज का है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एज कब तक काउंट होगी? फॉर्म की लास्ट डेट तक काउंट होगी। इसके अलावा सर, मैं OBC से हूँ तो मेरे को एज रिलेक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। OBC वाले को 3 ईयर्स और ST वाले को 5 ईयर। मतलब नॉर्मली एज कितनी है? 30 ईयर्स। SC को कितना मिलेगा? 35। OBC को कितना मिलेगा? 33। ST को कितना मिलेगा? 35। मतलब एज रिलेक्शन आपको मिलेगा। अभी अपन बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है सर, फीस कितनी रहेगी, फॉर्म अप्लाई करने की फीस कितनी रहेगी। देखो, फीस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है कि OBC और जनरल को तो है 3000 रुपये, OBC और जनरल को 3000 रुपये, और EWS को अब की बार रिलेक्शन दिया गया। EWS ST कैंडिडेट की जो फीस है वो है 2500 रुपये। कितना है? 2500 रुपये। तो 3000 रुपये और 2500 हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो ST SC के कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, उन लोगों को रेलवे की तर्ज पे या अदर ESA की तर्ज पे जो पेमेंट है, वो पेमेंट वापस मिलेगा। मतलब उनकी जो फॉर्म की फीस है वो वापस मिलेगी। ये क्लियरली लिखा हुआ है, रिफंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो 20 नवंबर, बहुत कम टाइम बचा है, 20 नवंबर। अब इसमें बताना चाहता हूँ कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज ने स्पेशल नॉर्सेट 2021 टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिस टेस्ट सीरीज के अंदर मिनिमम 43 टेस्ट रहेगी। कितने टेस्ट रहेंगे? 43 टेस्ट, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 35 रहेंगे, कुछ मेगा टेस्ट रहेंगे, जो मेगा टेस्ट 200 क्वेश्चन के रहेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर एवरी सब्जेक्ट के टेस्ट रहेंगे। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत ही बड़ी टेस्ट सीरीज है। अभी तक उस टेस्ट सीरीज के अंदर मोर देन 1000 लोग जुड़े हुए हैं, एग्जाम डेली दे रहे हैं, जिसके अंदर आप अपनी लाइव रैंक देख सकते हो, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट टेस्ट है, मेडिकल सर्जिकल के 5 टेस्ट, फंडामेंटल के 3 टेस्ट, ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन और नॉन टेक, स्पेशली जो नॉन टेक के सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग GK, उसके सेपरेट 3 टेस्ट। मतलब कंप्लीटली पैकेज हो गया, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्लस लास्ट में मेगा टेस्ट रखे गए, 7 से 8 मेगा टेस्ट रह गए,
टोटली 43 टेस्ट रह गए जिसके अंदर 5000 से ज़्यादा MCQ इंक्लूड रहेंगे। तो आप देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। अब अपन बात करते हैं आगे, और बात क्या करनी है, बात करनी है कि सर फॉर्म कब से भरना है, अप्लाई कब करना है। तो फॉर्म अप्लाई हो गया है, अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट 30 तारीख। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको 20 से 25 तारीख के बीच में ऑल कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई कर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर का इशू होता है, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो आपको लास्ट टाइम तक वेट नहीं करना है। तो आपको फॉर्म अप्लाई कब करना है, 20 से 25 तारीख तक के बीच में। जो इंपॉर्टेंस रहेगी आपके लिए, मैं आप पूरी PDF को नहीं रीड करूँगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेगी उसी को मैं पढ़ूंगा। अब आपको बात करते हैं कि फॉर्म के लास्ट डेट आपको बता दी 30 तारीख तक। लेकिन जिन लोगों की गलती बाई मिस्टेक कुछ चेंज हो गया है या कुछ गलती से डाल दिया है, तो उनको करेक्शन कब होगा, तो करेक्शन के लिए आपको 2 दिन दे रखे हैं, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। 2 दिन में आप अपना करेक्शन कर सकते हो। इम्पोर्टेंट बात, आपकी कैटेगरी इसके अंदर करेक्ट नहीं हो पाएगी, तो कैटेगरी को आपको ध्यान समझ कर जहाँ हो सके फॉर्म को आराम से अच्छे से तसली से फिलअप करना है। इतनी जल्दबाजी भी मत करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज का फॉर्म अप्लाई कर दो, कुछ मिस्टेक हो जाए बाद में आपको पता चले, तो ऐसा नहीं करना, अच्छे से करना है। इसके अंदर ईमेल और मोबाइल नंबर का विशेष ध्यान रखना, वही डालना जो आपका 6 महीने तक शुरू रह सके। ऐसा नहीं कि आज आपने डाल दिया, 3 महीने बाद आपने ईमेल बंद कर दिया, नंबर बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई की डेट हो गई आपको, अब और अपन आगे बात करते हैं, आगे और क्या बात हो गई, फॉर्म अप्लाई की डेट हो गई, करेक्शन की डेट हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का यूज करना, इसमें क्लियरली मेंशन नहीं लगे, मैं आपको बता देता हूँ। फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन बिल्कुल एकदम हाईली विजिबल्स और वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का पिछले एम्स में फॉर्म इसकी वजह से रिजेक्ट भी हुआ है। तो एज क्राइटेरिया आपका फॉर्म की जो लास्ट डेट है वहाँ तक माना जाएगा, 30, 33, 35। PWD कैंडिडेट के लिए एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना, 5 ईयर। मतलब जो जनरल का कैंडिडेट है वो 35 ईयर तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, OBC ST को 38 और अदर जो PWD का जो कैंडिडेट है वो उसको और एज रिलेक्शन ज़्यादा मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा 10 ईयर का एज रिलेक्शन। तो PWD के नॉर्मल एज कितनी है, 30। PWD का जनरल कैंडिडेट है तो 40 तक। PWD का OBC कैंडिडेट है तो कितना हो जाएगा, 43। SC ST का PWD कैंडिडेट है तो 45 ईयर एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, कि जिन लोगों की सर्विस 3 साल से ज़्यादा हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जस्ट लाइक सफदरगंज, CGSS, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, जो भी प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, एम्स इंक्लूडिंग नहीं है इसके अंदर, क्यों, एम्स का लिखा हुआ नहीं है, बाद में आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक नहीं है। उसके अंदर जो 5 ईयर का रिलेक्शन मिलेगा, OBC को 8 ईयर का, SC ST को 10 ईयर का, ये बहुत ही बढ़िया चीज डाली है, क्लियर लिखा हुआ है। एज रिलेक्शन इज अप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड नॉट पर्सनल वर्किंग ऑटोनोमस स्टेट बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्स एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट आपको ध्यान रखना है OBC और EWS का, स्पेशली OBC EWS का ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है कि जो वैकेंसी है, वैकेंसी कब की है, वैकेंसी है 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 इस फाइनेंशियल ईयर्स की है। तो आपको सर्टिफिकेट भी इसी डेट का होना चाहिए, मतलब आपका सर्टिफिकेट किसी का अगर बोलेगा सर मेरा मार्च में बना हुआ है वापस बना देना टाइम पे, जिसका अगर 1 अप्रैल के बाद में बना हुआ है उसको वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1 अप्रैल से पहले जिसका भी बना हुआ है वो वापस अभी टाइम पे बना देना, बाद में आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये हो गया आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का। परफॉर्मा फॉर्मेट जो इंस्टीट्यूट देता है या जो तहसीलदार या SDM देता है वो फॉर्मेट इनफ है, उस फॉर्मेट ऑलरेडी गवर्नमेंट का फॉर्मेट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वो DOPT के अकॉर्डिंग है तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये आपका हो गया EWS का, OBC का सर्टिफिकेट की बात। अपन एक एक से आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है, ताकि आपको सब समझ में आ जाए और कोई भी सुनिए। एडमिट कार्ड एम्स की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे 5000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, उसमें आप जुड़ सकते हो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
अभी अपन और आगे बात करते हैं कि भाई ऑल डॉक्यूमेंट्स को आपको संभाल कर रखना है, वो तो सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, इसमें कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कहीं अगर आप वर्किंग हैं तो आपको एनओसी लाना है। एनओसी का भी थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो एनओसी के लिए क्या है, जब आप अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको लगता होगा हमारा इंस्टीट्यूट एनओसी नहीं देगा, तो आपका फ़र्ज क्या है कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, ये साथ में जो एडवर्टाइजमेंट है ये लगा दीजिए और अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दीजिए सर मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। परमिशन दे नहीं दे इट इज़ नॉट डज नॉट मैटर, आपको इंटीमेट करना ये आपका फर्ज बनता है। अदरवाइज इंस्टीट्यूट आपको बोल सकते हैं आपको इंटीमेट हमको करना चाहिए तो आप इंटीमेट कर देना, ठीक है। अभी अपन और आगे बात करते हैं, एनओसी का हो गया, मेजर चीज हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पैटर्न क्या रहेगा सर। जैसा कि सबको पता है पैटर्न क्या रहेगा, देखो दोस्तों 3 ओवर का है एग्जाम, 180 मिनट्स, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क रहेंगे, 180 क्वेश्चन रहेंगे नर्सिंग के, 20 क्वेश्चन रहेंगे नॉन टेक के। अब पढ़ना कहाँ है, नॉन टेक के लिए मिशन है नर्सिंग क्लासेज की बुक है मिशन नॉन टेक, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग जीके जीएस और कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक्स लेवल का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से डाला हुआ है, ओल्ड पेपर उसके अंदर डाला हुआ है और ओल्ड जो भी क्वेश्चन मैथ रीजनिंग नॉन टेक पोर्शन आया वो डाला हुआ है। और बिल्कुल एक पतली सी किताब है, 250 पेज के अंदर पेज है, जिसको आप 3 या 4 दिन में पढ़ सकते हो। अगर आप उसको लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजन से ले सकते हो, हमारे थ्रू लोगे थोड़ा आपका सस्ता पड़ेगा। अभी बात करें हो गए 20 नंबर के क्वेश्चन की, आपकी झंझट खत्म हो गई, आपको कहाँ से पढ़ना। अभी अब बात है सर 180 क्वेश्चन में से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन और इसकी थ्योरी के रिगार्डिंग मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की एक बेस्ट बुक है जिसका नाम है मिशन परिसारिका, एज एग्जाम नोट्स की तरह है, जिसके अंदर मोर देन 2000 इमेज है, मोर देन 2000 इमेज इंक्लूडिंग है और बिल्कुल शॉर्ट स्वीट एंड अच्छे बुक है, पूरा क्लियरली मेंशन है, ठीक है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं है। तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर सेम टू सेम फ्लिपकार्ट अमेजन या डायरेक्ट हमारे थ्रू करोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये चीज़ हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी रहती है सर हमको तो एम्स के ओल्ड पेपर चाहिए। तो देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट का कंटिन्यू काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है, तो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज ने एम्स और इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्राइमरी इंस्टीट्यूट है उनके पेपर्स की बुक बनाई है, जिसके अंदर 120+ पेपर इंक्लूडिंग है मिशन ओल्ड पेपर, वो आज लॉन्च हो गई है 16 तारीख को, उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजन या डायरेक्टली हमारे थ्रू ऑर्डर कर सकते हो, जिसकी प्राइस आपको सब प्राइस आपको दिख जाएगी और एक साथ लोगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा। अब ये हो गया आपका पढ़ने का, ओल्ड पेपर का, नॉन टेक का पूरा डिस्कस इसके अंदर हो गया। अभी अपन फिर बात करते हैं एक छोटी सी बात सर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्किंग रहेगी, तो इसमें आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्वालिफिकेशंस के लिए, यूआर को 50%, यूआर जो कैंडिडेट है उसको 50%, ईडब्ल्यूएस को भी 50%, ओबीसी को 45%, एसटीएससी को, इसमें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को कोई बेनिफिट नहीं दिया। रिसोल्यूशन ऑफ टाई केस का मतलब ये होगा जिसके मार्क्स बराबर आ गए हैं उनका डिसाइड कैसे होगा, तो उनका डिसाइड होगा कैसे कि डीओबी के बाद में जो देखा जाता है उसका कितना नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस आपको पहले बता दिया है, बुक्स आपको बता दी है, बुक्स का आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, बुक का सैंपल पीडीएफ देख सकते हो क्योंकि बुक कैसी है, कम से कम 60 से 100 पेज की सैंपल पीडीएफ हर बुक्स की अलग अलग मिलेगी, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। अभी अपन बात करते हैं सीट अलोटेशन कैसे होगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसे के वैसा होगा। ऑफिशियल एम्स कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप जा सकते हो, फिर भी कोई ज़्यादा अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, जैसे सर फ्री रहेंगे या मैं फ्री रहूँगा तो आपको जवाब दे देंगे। फिर हर एम्स की अलग अलग साइट दे रखी है जिसके अंदर 18 एम्स है, सबकी सीट अभी कितनी वैकेंसी है वो अपडेट नहीं किए लेकिन बहुत जल्दी कर देंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आते थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि 80-20 होगा या नहीं होगा, तो 80-20 होगा और एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडियो में नहीं होगा लेकिन एम्स के अंदर 80-20 होगा, ये सीएबी उनका हवाला देके 80-20 होगा। तो अभी भी फ्रेशर कैंडिडेट को कुछ करना चाहिए, ठीक है।
अदरवाइज ये 80-20 का रूल्स कंटिन्यू लागू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत काफ़ी दुख होता है जो फ्रेशर कैंडिडेट है जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसके लिए स्ट्रगल करते रहिए। मिश्रा हिंदी नर्सिंग क्लासेज पूरी टीम आपके साथ है, इसके लिए किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हम हमेशा तैयार है, तैयार होते आए हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। अब वैकेंसी का अपडेट बहुत जल्दी कर देंगे आपको, बाकी मेजर चीज आपको बता दिए है। फिर भी किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ सर, ऑल इंडिया का कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, और फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो मंडे टू सैटरडे जो एम्स की जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अब जो भी क्वेश्चन है एक बार फिर से मैं बता सकता हूँ, जीएनएम वाले के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस, बीएससी वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं, ऑल इंडिया का कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी है। बुक्स मिशन सीएसओ, मिशन परिसारी का, मिशन नॉन टेक, मिशन ओल्ड पेपर, जिसके सैंपल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज बहुत ही बड़ी प्राइमरी टेस्ट सीरीज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की जो मिशन नॉर्सेट 2021 की टेस्ट सीरीज है, प्रीमियम टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मेगा टेस्ट है, इमेज बेस्ड टेस्ट है, नॉन टेक टेस्ट है, ऑल दिस इंक्लूडेड। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिए, सफल होइए, फैमिली का नाम रोशन कीजिए। आर यू वांट टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर? यस, बट कंफ्यूज्ड विच गाइड और बुक इज बेस्ड फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स? प्रॉब्लम सॉल्व, मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। मिशन नॉन टेक, ए शॉर्ट गाइड फॉर ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस। ऑर्डर करें अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट से।